आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। उत्तराखंड राज्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त किए जाने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों का माहौल काफी गर्म हो गया है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष सरिता आर्या ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल बीते दिन सरिता आर्या ने टिकट के सवाल पर यह कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वह भाजपा में शामिल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना और मैंने जिस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए यशपाल आर्या जी और उनका बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो हम दो महिलाएं प्रभावित हुई हैं वहाँ। मैं नैनीताल से पूर्व विधायक भी हूँ, मैंने 17 में भी चुनाव लड़ा और सुनीता बाजवा ने भी 2017 में चुनाव लड़ा। वो आके वहाँ पे कह सकते थे कि भाई जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं कांग्रेस, वहाँ हम लोगों को भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दो महिलाएं वहाँ पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, तो मैंने आप ही लोगों के माध्यम से ये बातें पहुँचाई भी थी, लेकिन हम लोगों को इग्नोर की 20% मैंने कहा 40% नहीं तो 20% टिकट दीजिए महिलाओं को। मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, मैं अपनी महिलाओं से माफ़ी भी चाहती हूँ कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस ने मुझे टिकट भी दिया, सम्मान भी दिया, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरी भावनाओं को सुना और आप ही लोगों के माध्यम से, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि आपने मुझे विश्वास कर यहाँ पे बुलाया। और आगे आप लोगों को सोचना है कि मैं किस उस पे खरी उतरूं और क्या आप मुझे यहाँ पे सहयोग लेंगे और किस तरह से आप मेरा यहाँ पे सदुपयोग किया जाएगा, ये मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। आज चूंकि अभी निर्णय हुआ है आने का, भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक बहुत बड़ा कार्य, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार के कार्य, प्रधानमंत्री जी का देवभूमि के प्रति एक लगाव, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर आज ये नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र से आप MLA रही है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होगी। इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि दो शब्द आप भी कहें। महिलाओं के बीच में, समाज के गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर, और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पर, उनके साथ आई वंदना जी का और सभी का, रेखा जी का, उनका भी स्वागत करता हूँ। 2 मिनट।